इवनिंग, मेरा नाम तानिया सिंह है और मैं यहाँ सिट्रस फ्रेट की तरफ से आई हूँ। आज का जो हमारा वेबिनार है वो एक बहुत अच्छे टॉपिक पे है जो अक्सर लोग बहुत डिस्कस करते हैं, लाइक हाउ टू स्टार्ट ऑनियन एक्सपोर्ट बिजनेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सिट्रस फ्रेट के बारे में मैं आपको बोलूंगी कि सिट्रस फ्रेट इंडिया का पहला रीफर कंटेनर बुकिंग ऐप है जहाँ पे मेनली आप पेरिशेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये आपको एंड टू एंड सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। ये जो इवेंट है ये हमने कम्युनिटी कनेक्ट बोल के स्टार्ट किया है। तो कम्युनिटी कनेक्ट बेसिकली हमने एक्सपोर्टर्स को अपलिफ्ट एंड एम्पावर करने के लिए स्टार्ट किया है। तो इसी के साथ हम ये वेबिनार शुरू करेंगे और आज के जो हमारे गेस्ट हैं जो इस टॉपिक पे आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे वो है मिस्टर परेश सोलंकी। हेलो सर। सो सर ओईएस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं और सर को 10+ ईयर्स का बिजनेस एक्सपीरियंस है, प्लस उन्होंने 8+ कंट्री विजिट किया है। इसके साथ बहुत सारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप भी अटेंड किया है। उन्होंने वेरियस कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किया है, इसलिए उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सो वेलकम सर, आई होप ये वेबिनार लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। और इस एक्सपोर्ट इस वेबिनार के रिलेटेड या एक्सपोर्ट के रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सिट्रस फ्रेट एंड वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यस, तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो है हाउ टू एक्सपोर्ट ऑनियन। ऑनियन जो है इंडिया से बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट होता है और ऑनियन का जो है पूरी दुनिया के अंदर मतलब इंडिया का जो ऑनियन है वो बहुत ही अच्छा है और फेमस है। तो ऑनियन मतलब अच्छा एक्सपोर्ट होता है, तो उसका कितना लाइक एक्सपोर्ट होता है, कौन सी बेस्ट कंट्रीज है जहां पे आप ऑनियन एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो उसके बारे में पूरा हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले है। ओके ग्रेट, सभी लोग यहाँ पे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपको हाई भेजता हूँ। या आप कहाँ से हो, कौन से सिटी से है आप? साफ साफ यस, तो आपको ऑनियन ही सब लोग ऑनियन एक्सपोर्ट करने वाले मेस्ट में। ओके, कोई सूरत से है, मुंबई से है। ओके ग्रेट, ओके और भी लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। यस, मुंबई, सूरत। ओके, तो ऑनियन एक्सपोर्ट करता है, मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं भी फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल ऑनियन एक्सपोर्ट करता हूँ, प्रोडक्ट में भी काम करता हूँ जिसमें हैंडीक्राफ्ट गारमेंट बहुत सारी प्रोडक्ट जो जिसमें आती है। यस, तो ऑनियन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, तो मार्केट है वो नियर बाय एशियन कंट्री में सबसे बढ़िया है। हाउ टू एक्सपोर्ट ऑनियन फ्रॉम करेंगे, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। प्रोडक्ट का नेम ऑनियन है और उसका जो HS कोड है 7031010, जो HS कोड का हार्मोनाइज सिस्टम कोड का जो चैप्टर है उसमें 7 नंबर के चैप्टर के 07 में जो है ऑनियन आता है। या बेनिफिट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, यस, सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है ना तो ये देखना पड़ेगा ये जो प्रोडक्ट है लोग क्यों खरीदेंगे। चीज यहाँ पे हमको तो एक्सपोर्ट करना है बट सामने वाला क्यों पड़ेगा, तो ऑनियन जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, हेल्थ के इसके बेनिफिट है, लोडेड, तो यहाँ पे हेल्थ कंट्रोल, ब्लड शुगर है, बूस्ट डेंसिटी है, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट है, जो जहां ठंडा प्रदेश है वहां पे भी अच्छा ये मतलब हेल्थ में आए। तो ऑनियन का जो यूज है और मेडिसिन में है, आज के दिन में तो कॉस्मेटिक में सबसे ऑनियन के शैम्पू आते हैं, ऑनियन का ऑयल आता है, हर एक जगह का जो आज के दिन में यूज हो रहा है, तो मेडिकल में इसके यूड के अंदर तो मतलब उसके बहुत सारे यूज है, फूड में ऑनियन का बहुत सारे फूड प्रिपरेशन में हर एक सब्जी वगैरह में ऑनियन को डाला जाता है, बहुत सारी, तो इसका मेडिकल में यूज है एंड दिस अभी जो कॉस्मेटिक में भी इसका यूज आ गया है और ये बहुत चीजें बहुत महंगी भी मिल रही है। तो ऑनियन का जो है यूज जो है बहुत सारे इंडस्ट्री में हो रहा है, तो इसकी डिमांड जो है अच्छी है। ग्रेडिंग ऑफ ऑनियन, यस, ऑनियन एक्सपोर्ट करना है
तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना पड़ेगा। जब एक्सपोर्ट करने चाहते हैं तो सबसे पहले ये चीजें जो एक्सपोर्ट करना है ऑनियन, तो उसका क्या साइज आता है, उसमें कौन सी क्वालिटी आती है, कौन से ग्रेडिंग आता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है इंडिया का जो ऑनियन है, जो लाइक 50 mm या 55 mm का जो ऑनियन है, वो रेगुलर एक्सपोर्ट दुबई की बात करें तो 55 mm का ऑनियन जो है एक्सपोर्ट होता है, और उसे छोटा मलेशिया में 45-50 का भी ऑनियन एक्सपोर्ट होता है, और जो सबसे छोटा है संभार ऑनियन भी बोलेंगे तो वो भी एक्सपोर्ट होता है। तो हर एक क्वालिटी का और हर एक साइज का एक्सपोर्ट ऑनियन होता है, अच्छी क्वालिटी का ऑनियन एक्सपोर्ट होता है और कम क्वालिटी का भी, कई कई बार क्या किसी को सस्ता चाहिए तो कम क्वालिटी का भी ऑनियन एक्सपोर्ट होता है। तो जनरली जो है हम बात करें तो 55 mm, 50-55 mm का जो है डिमांड ज्यादा रहता है। या टाइप ऑफ ऑनियन इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, रेड ऑनियन, जो नासिक का रेड ऑनियन है वो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड। व्हाइट ऑनियन है, काशी पूरम रोज ऑनियन है एंड बेंगलोर रोज ऑनियन है। तो ये सारी मेनली जो वेराइटीज है, तो ये जो वेराइटी जो है यूज होती है यहाँ पे। गवर्नमेंट बेनिफिट, यस, ऑनियन एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पे क्या क्या गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ऑनियन एक्सपोर्ट करना है या कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट जो है बेनिफिट देती है, जिसमें दो बेनिफिट मेन है, आप लिख सकते हो। एक बेनिफिट का नाम है DBK, ड्यूटी ड्रॉबैक। दूसरा एक बेनिफिट है ROTEP। तो यहाँ पे देखिए, ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें तो ऑनियन को जो है लाइक ऑनियन का जो लाइक मिल रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक, वो है 0.15%। ऑनियन को 0.15% जो है ऑनियन लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है। मतलब आप FOB वैल्यू का, गवर्नमेंट जनरली बेनिफिट जो है FOB वैल्यू पे देती है, और इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो CIF वैल्यू पे लगती है। गवर्नमेंट बेनिफिट जो है FOB वैल्यू पे देती है और इंपोर्ट ड्यूटी जो है CIF वैल्यू पे लगती है। या तो यहाँ पे क्या है, तो अभी आप 10 लाख रुपीज का ऑनियन एक्सपोर्ट करते हो FOB प्राइस उसका, तो आपको जो है यहाँ पे 0.15%, मतलब 1500 रुपीज का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अभी DBK यहाँ पे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने वाली है, ऑलरेडी अपने आप एक्सपोर्ट हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा जो है यहाँ पे DBK कम है। या और यहाँ पे दूसरा जो बेनिफिट है वो है ROTEP। तो ROTEP का बेनिफिट यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। ROTEP का जो बेनिफिट है वो मिलेगा 2%, मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करते हो 10 लाख रुपीज ऑफ अमाउंट का जो है ऑनियन एक्सपोर्ट करते हो तो उसका 2% आपको मिलेगा। तो 10 लाख का 2% हो जाएगा 20,000 रुपीज हो जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एक कैप भी लगा के रखा है, UQC, मतलब पर केजी जाएगा, ये केजी में ऑनियन की किलो में केजी में एक्सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, कैप भी यहाँ पे लगा रखा है RS में, मतलब या तो आपको 2% मिलेगा या फिर आपको जो है 1.2 रुपीज पर किलो मिलेगा, विच एवर इज लो। अगर आपका जो समझो ऑनियन जो है एक्सपोर्ट हो रहा है उसका किलो के हिसाब से आपको परसेंटेज में मिलेगा या फिर आपको 1.2 रुपीज मिलेगा, विच एवर इज लो मिलेगा आपको। या समझो ऑनियन 100 रुपीज एक्सपोर्ट हो रही है किलो, तो उसका जो है 2% होता है 2 रुपीज, तो आपको 2 रुपीज नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1.2 रुपीज, मैक्सिमम 1.2 रुपीज पर किलो के हिसाब से आपको मिलेगा। या उसे कम मिल सकता है, उसे ज्यादा नहीं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ऑनियन और भी हम बात करें फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल की और की बात करें कोई भी रिफर प्रोडक्ट में, तो गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा एक कैप दे रही है, या तो 2% मिलेगा या तो 1.2 लाख रुपीज मिलेगा, विच एवर इज लो, वो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में बेनिफिट देती है। तो आपको क्या मिलेगा, मलेशिया गवर्नमेंट बेनिफिट ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा एंड आपको मिलेगा लाइक ROTEP का बेनिफिट मिलेगा, दोनों बेनिफिट मेन है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोन लेते हो तो आपको जो है 3% में MSME सेक्टर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट जो है आपको इंटरेस्ट सब्सिडी देगा, मतलब आपने एक्सपोर्ट करने के लिए 10% पे लोन लिया है तो गवर्नमेंट जो है 3% इंटरेस्ट बेयर करेगा, आपको 7% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे 3% इंटरेस्ट का सब्सिडी मिल रहा है, जैसे फार्मर को भी लाइक फार्मिंग के लिए लोन लेते हैं उसमें भी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है, तो एक्सपोर्टर को भी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है। या तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
कि गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे रही है। नेक्स्ट एक और भी बेनिफिट यहाँ पे है, वो है टीएमए, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, जिसको बोलते हैं टीएमए बेनिफिट बोलते हैं। तो टीएमए में क्या होता है कि पर कंट्री के हिसाब से गवर्नमेंट 15,000-30,000 रुपीज देती है, पर गल्फ कंट्रीज वगैरह नियर बाय में कम मिलता है, बाकी यूरोप वगैरह में, यूरोप का बताऊं मैं आपको जनरली, तो 31,000 समथिंग जो है गवर्नमेंट का टीएमए का बेनिफिट है। तो ये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये सब बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा, एक तो रोड टैप आपको मिलेगा ही मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक भी आपको मिलेगा, प्लस टीएमए स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए बेनिफिट है, टीएमए ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस आप लिख सकते हो। तो टीएमए आपको मिलेगा और एक्सपोर्ट करने के लिए लोन लेते हो तो 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। तो एग्रीकल्चर और जो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये सारे बेनिफिट्स दे रही है एक्सपोर्टर को, जो आपको भी मिलेंगे। और दूसरा बता दूं, ड्यूटी ड्रॉबैक जो है आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं करना है। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, अभी मैंने एक जो है फर्नीचर का कंट्री एक्सपोर्ट किया, तो उसके अंदर मुझे गवर्नमेंट जो कंट्री है उसका वैल्यू था 50 लाख रुपीज, तो उसके अंदर मुझे गवर्नमेंट का जो बेनिफिट मिला डीबी के जो मुझे मिला वो लाइक 93,000 रुपीज मुझे डीबी के मिला, ड्यूटी ड्रॉबैक जो मिला 93,000 प्लस रोड टैप मिला 27,000, मतलब 1,20,000 रुपीज गवर्नमेंट का बेनिफिट एक कंट्री पे मुझे मिला। तो एक्सपोर्टर को सबको मिलता ही है, तो इसमें आपको जितना भी अमाउंट होगा उस हिसाब से आपको जो है गवर्नमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो और उसके बाद एक्सपोर्ट मतलब एफओबी हो जाता है ना हमारा कंट्री, उसके बाद 10 दिन में ही आ जाता है जनरली, रेगुलर मेरा तो रेगुलर आता है, मैं रेगुलर एक्सपोर्ट पे तो रेगुलर आ जाता है। और रोड टैप का जो है, रोड टैप का जो बेनिफिट है उसको आइस गेट पे हमको क्लेम करना पड़ेगा। या अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, तो इंडिया से कितना ऑनियन एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम बात करें टोटल एक्सपोर्ट की, इंडिया टोटल एक्सपोर्ट तो वो कितना है मालूम है, 31 लाख करोड़ का, कितना है 31 लाख करोड़ का अपना इंडिया का एक्सपोर्ट है। जो ये आंकड़ा है ये अपना है 21-22 का आंकड़ा, 22-23 तो भी आने वाला है, और 20-21 में जो हुआ था वो 21 लाख करोड़ का था, और 21-22 में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 31 लाख करोड़ का हुआ है, जिसके अंदर लाइक 45% बढ़ोतरी हुई इंडिया के एक्सपोर्ट में। तो आप भी एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। या और उसमें से ऑनियन कितना एक्सपोर्ट हुआ, उसमें से हम बात कर रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट हुआ है तो ऑनियन कितना एक्सपोर्ट हुआ है, वो हुआ है लाइक 34,000 लाइक सॉरी 3,400 करोड़ का। इसमें क्या है, ये वैल्यू जो लिखा है ना वो लाख में लिखा है, मतलब इसके पीछे 50 और है, मतलब 3,400 करोड़ का ऑनियन एक्सपोर्ट का मार्केट है। अब आप बताइए आपको कितना करोड़ का करना है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं अभी क्या हो रहा है। मैं अभी एक सेमिनार में, मैं रेगुलर सेमिनार लेता रहा हूँ, मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, तो उसमें बहुत सारे नए लोग आते हैं जो स्टार्टिंग से काम करना चाहते हैं, तो उसमें एक ही सवाल आता है सर एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड रहता है, अगर एडवांस पेमेंट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, या फिर उधारी में करना है तो 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। बट इन्वेस्टमेंट से भी इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पूरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, आप प्रोफेशनल होने चाहिए, तो बायर जो है आपको एडवांस में पेमेंट देगा। और दूसरा कि सर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब बड़ा बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आप 50,000 का भी धंधा कर सकते हो, जिसको बोलते हैं LCL कार्गो, जरूरी नहीं पूरा कंट्री लोड करना। ऑनियन में एक वगैरह में होता है, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल में LCL करना थोड़ा होता प्रॉब्लम है कि उसमें इतना LCL नहीं होता है, बाकी कोई भी प्रोडक्ट में देखिए कि LCL हो सकता है, तो मतलब 50,000 से भी एक्सपोर्ट हो सकता है। और पहले ये डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा कमाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कितना पैसा कमाना है, मतलब कितना रुपया आप कमाना चाहते हो। यहाँ पे क्या कि पहले से सर तो बड़ा बिजनेस है, अरे आपको महीने का 50,000 कमाना है। अब यहां से शुरू करो कि 50,000 रुपीज कमाने के लिए मुझे कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, 10% प्रॉफिट गिन लो कोई भी प्रोडक्ट में, ऑनियन या कोई भी फ्रूट वेजिटेबल या एनी अदर प्रोडक्ट्स, 10% आप क्या गिन लो, प्रॉफिट गिन लो। अब 10% मतलब 50,000 कमाने के लिए आपको कितने का टर्नओवर करना पड़ेगा बताइए मुझे, महीने का,
महीने का जो है ये मतलब अपना 10,000 मतलब 50,000 कमाने के लिए, तो वो तो 10,000 10% मतलब हो गया 5 लाख का, तो आपको मंथली 5 लाख का एक्सपोर्ट करना है। पहले तो ये समझो, यहाँ पर क्या सब समझ लेते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, पर ये आपको समझना है कि आपको 5 लाख रुपीज का सेल करना है मंथली, बताइए। तो ये प्रैक्टिकल चीज है कि आपको इसमें क्या हजारों करोड़ों कमाना है, बट इनिशियली क्या करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको महीने का समझो, अब महीने का 1 लाख कमाना है तो आपको 10 लाख का टर्नओवर करना पड़ेगा, आपको महीने का 2 लाख कमाना है आपको 20 लाख का टर्नओवर करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब 20 लाख का, तो आप 2 लाख कमाओगे। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है, तो आप ये मत मतलब ये अच्छी बात है, बड़ा बिजनेस है, पर आपको कितना करना है समझो। एक मूवी बनानी है, अब मूवी बनाना है तो 1,000 करोड़ का बजट, बोले बाहुबली बना 1,000 करोड़ का, 2,000 या 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 4 RR बना 400 करोड़ का। अरे एक मूवी बनाने के लिए आप समझो 10 लाख 20 लाख में भी मूवी बन सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतने बड़े एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, सलमान खान 100 करोड़ ले लेगा। तो आपको बोलो सर मेरे पास तो 100 करोड़ है ही नहीं, तो मूवी नहीं बना सकता, ऐसे सेम हो गया ना कि मैं मूवी नहीं बना सकता, तो ऐसा नहीं है। मूवी कम बजट में भी बनती है और वो इतना कमाती है, 50 लाख में मूवी बनती है, 60-70 लाख कमा जाती है समझो। तो ये अच्छी बात है ना, 1 करोड़ कमा जाती है तो और क्या चाहिए। तो आपको भी एक्सपोर्ट में ये है कि कितने का एक्सपोर्ट करना है, तो मतलब स्लो स्लो आपका काम शुरू कर सकते हो। तो इंडिया का जो ऑनियन का एक्सपोर्ट है वो कितना है, 3,400 करोड़ का है, उसमें से आपको कितना है महीने के कंट्र करना है, 7 लाख 8 लाख का जो है, अभी के हिसाब से बात करें तो 7 लाख, मतलब जो प्राइस के हिसाब से 28 टन माल जाएगा, 29 टन माल जाएगा, तो कितने का कंट्र होगा, और दुबई तक भेजने का 3.5 लाख का, 3.5 लाख का इतना एक्सपेंसिस आता है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। या तो प्रैक्टिकल चीज है इसमें, तो यहाँ पे आपको कितने कहाँ से स्टार्ट करना, कितना रुपया चाहिए, उसमें भी 50% पैसे एडवांस गिन लो, वो तो होना ही है। या टॉप 7 कंट्रीज, हरे सर आपने बताया अच्छी बात है, पर आप करेंगे कहाँ पे एक्सपोर्ट, कौन जो है इंडिया का ऑनियन ले रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बांग्लादेश, अब टॉप 7 कंट्रीज जहां पे आप ऑनियन एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो बांग्लादेश के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मलेशिया के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, श्रीलंका के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, नेपाल के अंदर आप नेपाल के अंदर आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो, दुबई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंडोनेशिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, कतार के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया में लोगों को एक ही कंट्री दिखता है दुबई, इसे दुबई करना है, अच्छी बात है करो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, कतार, ये भी कंट्री के अंदर जो है आप ऑनियन एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जो अच्छे का लोग करने वाले अच्छे लोग है, वो 30% एडवांस 70% बिफोर डिलीवरी में काम कर रहे हैं। दुबई का थोड़ा मार्केट उधारी आपको प्रैक्टिकल बता दूं मैं, बाकी जो है 30% एडवांस एंड 70% बिफोर डिलीवरी में काम हो रहा है। या तो ये टॉप 7 कंट्रीज है जहां पे आप ऑनियन एक्सपोर्ट कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एरिया, इंडिया में आपको ऑनियन किधर किधर मिलेगा, तो आप सबको मोस्टली पता ही होगा कि ऑनियन जो है महाराष्ट्र एंड स्पेशली नासिक का जो है फेमस है, नासिक में मिलेगा, बाकी कर्नाटक का ऑनियन भी एक्सपोर्ट होता है, मध्य प्रदेश का भी होता है, गुजरात का भी होता है, बिहार आंध्र प्रदेश में भी ऑनियन मिलता है, बट मेनली जो है 80% हम बात करें तो जनरली नासिक का ऑनियन जो है, महाराष्ट्र का एंड नासिक का जो ऑनियन है वो ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, बाकी दूसरा भी होता है, मना नहीं है, दूसरा भी जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यस, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ऑनियन को एक्सपोर्ट करना आपको, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो यहां पर बता दू कंपनी रजिस्ट्रेशन, यस, पहली बार को नया नया बंदा है एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको ICA, उसके बाद आपको RCMC, उसके बाद आपको लेना है GST, IEC, RCMC, GST, एडी कोड रजिस्ट्रेशन। तो IEC कंपनी रजिस्टर्ड करो, उसका करंट बैंक अकाउंट खुलाओ, उसके बाद उसका IEC, उसके बाद उसका RCMC, उसके बाद उसका GST, मतलब कंपनी का GST, और RCMC आपको लेना है अपेडा का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है जनरली जो है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है अपेडा के अंदर कंसीडर होती है, तो अपेडा का RCMC आपको लेना है। तो IEC, RCMC, GST, एडी कोड रजिस्ट्रेशन। पहली बार जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो ऑनलाइन आइस गेट का एक वेबसाइट है जहां पे आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन
कर सकते हो। फिर आता है इनवॉइस, तो इनवॉइस जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आता है पैकिंग लिस्ट, सॉरी इनवॉइस यहाँ पे आ गया, फिर आएगा पैकिंग लिस्ट। तो इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते वो तो बनाना ही पड़ता है, एंड इसके बाद इंश्योरेंस इसका लेना पड़ता है। यहाँ पे फंसा ही नहीं लगता, एक बता दूं मैं आपको, फसाई यहाँ पे नहीं लगता फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल में, वरना फूड का को एक्सपोर्ट करते हो तो फसाई भी लगेगा, बट फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल में स्पेशली ऑनियन में फसाई आपको नहीं लगेगा। एंड एक आएगा फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट, ये क्या आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट लगता है, तो फाइटो सर्टिफिकेट आएगा। मतलब तो इतने डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनरली आएंगे, आईसी आएगा, आरसीएमसी आएगा, जीएसटी आएगा, इनवॉइस आएगा, पैकिंग लिस्ट आएगा, एंड जो है फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट आएगा। और दूसरा शिपिंग बिल, शिपिंग बिल जो है सीएचए फाइल करेगा, और उसके बाद बाय सी जाएगा तो बिल ऑफ लेडिंग आएगा, बाय एयर जाएगा तो एयरवे बिल आएगा। नेपाल और बांग्लादेश भी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है तो लॉरी रिसिप्ट आएगा, एलआर बोलते, क्या बोलते हैं इसको, लॉरी रिसिप्ट आएगा। तो ये भी है, तो इतने डॉक्यूमेंट जो है जनरली यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर लगते हैं, या इतने जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जनरली ऑनियन एक्सपोर्ट में आपको स्पेशली लगेंगे। लोडिंग ऑफ ऑनियन, अब ऑनियन का कैसे शॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकिंग होगा तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले जनरली नासिक में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है जहां पे ऑनियन का शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग होता है, जहां पे क्या होता है, ऑनियन का शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग जो है होता है। शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करने के बाद, शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करने के बाद उसको मैश बैग में, जनरली कौन सी बैग होती है, ये रेड मैश बैग के अंदर भरा जाता है, गुनी बैग में, जूट बैग में भी भर सकते हो, डिपेंड ऑन बाय रिक्वायरमेंट। जनरली ऑनियन जो है मैश बैग में, रेड मैश बैग आप फोटो में भी देख सकते हो, इसके अंदर जो है क्या होता है, लोड किया जाता है, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। या ऐसे आप मैश बैग भी देख सकते हो और यहाँ पे जूट बैग भी देख सकते हो, तो आप देखिए। और फिर यहाँ पे ऑनियन को जनरली प्री कूलिंग की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, तो ऑनियन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा कंट्री में रिफर, जनरल रिफर कंट्री में लोड किया जाता है, तो रिफर कंट्री में ऑनियन को लोड किया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। या और यहाँ पे पहले क्या होता है, शॉर्टिंग ग्रेडिंग होता है, उसके बाद ऐसे इसकी बैग बनाई जाती है बाहर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 5 किलो बैग, 9 किलो बैग, 8 किलो बैग, 10 किलो बैग, 12 किलो का बैग, 20 किलो का बैग, 15 किलो का बैग, तो डिपेंड्स जो है यहाँ पे बैग जो है अलग बनाई जाती है बाहर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसके बाद उसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। यस आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे स्टूडेंट, मैं खुद भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट भी ऑनियन नासिक से लेके एक्सपोर्ट कर, तो मिस्टर राहिल है, उसका यूट्यूब पे वीडियो भी है मैंने डाला हुआ है, तो राहिल जी जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नासिक से सीधा लोडिंग होता है, सप्लायर जो है सप्लायर से आपको जनरली लेना रहता है, तो शॉर्टिंग ग्रेडिंग लोडिंग सब करके देते हैं आपको। कंटेनर जैसे कि आप सिट्रस फ्रेट जो है अपना जो एप्लीकेशन है यहाँ से कंट्री बुक कर लोगे तो फिर जो है कंट्री आपको वहां पे आ जाएगा, और इसको लोड करके फिर जेएनपीटी पोर्ट पे या जहां नासिक में अगर आईसीडी में कस्टम क्लियरेंस करवाना है तो आईसीडी के अंदर कस्टम क्लियरेंस करवा के फिर इसको बेच सकते हो। तो इसका भाड़ा सिट्रस फ्रेट से आप बुक करते हो कंट्री तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव रेट भी आपको मिलेगा। और वो दूसरा बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें मिक्स फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल करते हैं, तो इसके अंदर देखिए ऑनियन, इसको बोलते हैं संभार ऑनियन, तो संभार ऑनियन जो है वो मिक्स कंट्री में भी जाता है। जनरली मेन ऑनियन किस में जाता है, एक कंट्री में जाता है, बट संभार ऑनियन जो है चिली के साथ, टोमेटो के साथ, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन चार और प्रोडक्ट है, पोमोग्रेनेट के साथ, टोमेटो, चिली एंड ड्रमस्टिक के साथ जो है संभार ऑनियन भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो प्रैक्टिकल कंट्री स्टफिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। या तो या पैकिंग फॉर प्रोडक्ट वन बैग्स ऑफ ओपन मैश, तो आप देख सकते हो ऐसे मैश बैग के अंदर जो है उसको, मतलब मैश बैग ऐसे आती है जिसको भरा जाता है फिर ऐसे लोड किया जाता है कंट्री के अंदर, पैलेटिंग भी किया जा सकता है अंदर जो है, पैलेटिंग भी किया जा सकता है अगर बाहर मांगता है तो, वरना ऐसे जो है ऑनियन लोड होती है, आप देख सकते हो प्रैक्टिकली आप जो है देख सकते हो। तो मैश बैग में एंड जूट बैग के अंदर जो है ऑनियन को लोड किया जा सकता है। तो आप भी जो है ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इस हिसाब से ऑनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसेस फॉर एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट मार्जिन, या ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है कि सर प्रोसेस क्या होता है एक्सपोर्ट का,
तो देखिए, एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको तभी मिलेगा जब भी आपके पास पूरा जो है नॉलेज है, आप प्रोफेशनल हो, आपको पूरा इंकोटर्म एंड प्राइसिंग के बारे में मालूम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी कंपनी का प्रोफाइल बनाना है। कंपनी का प्रोफाइल बना के आपको मार्केटिंग करना है। प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग के बाद आपको इंक्वायरी आएगा और वो इंक्वायरी जो है आप निगोशिएशन करोगे और डन हो जाएगा। उसको आपको ऑनियन एक्सपोर्ट करना है, वो आपको एडवांस में पेमेंट देगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन। उधारी में करना है तो वो भी पॉसिबल होता है, या फिर एडवांस में बायर आपको पेमेंट देगा। पेमेंट आ गया उसके बाद आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर के पास, जो ऐसे शॉर्टिंग ग्रेडिंग की फैसिलिटी रखते हैं। मैन्युफैक्चरर मतलब सप्लायर के पास, यहाँ मैन्युफैक्चरर तो फार्मर है, ऑनियन तो फार्म में बनता है ना, तो प्लांट मशीन नहीं आता इसका। तो शॉर्टिंग ग्रेडिंग होगा, उसके बाद आपको उसका पैकिंग करवाना है। पैकिंग करवाने के बाद जो है पैकिंग जब आपका मतलब पैकिंग करवाना वो करके देगा आपको, उससे पहले आपको कंट्री बुक करना पड़ेगा, रिफर कंट्री आपको बुक करना पड़ेगा जनरली, कि भाई वो आपको 40 फीट हाई क्यूब, जनरली 40 फीट हाई क्यूब का रिफर कंट्री जो है आप बुक कर सकते हो। सिट्रस फेड जो अपने एप्लीकेशन है यहाँ पे, उसकी मदद से आप जो है कंट्री को क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। और जो है फिर आपकी फैक्ट्री वहां पे आ जाएगा, कंट्री वहां पे आ जाएगा। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है वहां पे फैसिलिटी में लोग रहते हैं, वो आपको कंट्री ऐसे लोड करके देंगे जिससे आपका कंट्री ऐसे प्रैक्टिकली लोड हो जाएगा। या तो ऐसे लोड हो जाएगा, और उसके बाद आपको इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट बनाना है, और ये प्रैक्टिकली जो है कहां जाएगा, पोर्ट में, आईसीडी में जाएगा, और आईसीडी और पोर्ट में इसका कस्टम क्लीन होगा, फिर आपका जो कंट्री जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है। जब एक्सपोर्ट की बात कर, पहले मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट की बात पहले आती है। तो आप एडवांस में काम कर रहे हो तो 50,000 टू 1 लाख में आपका जो है प्रोफाइल वगैरह बन जाएगा, और बाकी एडवांस में काम है तो कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका काम उधारी में है, क्रेडिट में है, तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट लगेगा अराउंड 5 to 10 लाख रुपीज का लगेगा, कि एक कंट्री भरने के लिए जितना भी अमाउंट चाहिए उसको पहुंचाने के लिए, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद आपका पैसा आएगा। तो अराउंड 8 लाख रुपीज का या 9 लाख रुपीज का, डिपेंड है ऑनियन के प्राइस के हिसाब से, आपको 5 to 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और एडवांस में पैसा आता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। अब प्रॉफिट मार्जिन क्या है, अब आपको बता दू, जनरली 80% जो है फिक्स प्राइस में होता है, तो यहाँ पे 5 to 10% आप प्रॉफिट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, दुबई का मार्केट कमीशन वाला है तो उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन पहले से डिसाइड नहीं होता है, उसमें आपको 5%, 10%, 15%, 20%, 30% भी प्रॉफिट मिल सकता है, और 10%, 15% माइनस भी जा सकता है। तो कमीशन वाला काम ध्यान रख के आपको करना है, आपको कोई जान पहचान वाली पार्टी है, आपका कोई रेफरेंस है, तो ही उधारी का काम करना, वरना क्या होता है प्रॉब्लम्स होता है, मतलब जो है कम पैसा में मतलब लॉस हो सकता है। बाकी एक्सपोर्ट पूरा सेफ बिजनेस है, एक्सपोर्ट में कभी लॉस नहीं होता है। आज ही एक मेरा हैदराबाद में एक सेशन था, ऑनलाइन सेशन था, तो मैं लेक्चर ले रहा था, तो एक बंदे ने वही बताया कि सर हमने यहाँ से गुड्स भेजा, रास्ते में खराब हो गया तो, या बायर ने नहीं उठाया तो वो हमारा लुकआउट ही नहीं है, रास्ते में खराब हो जाए या बायर नहीं उठाए, अपना इंकोटम जो होता है जिसमें एफओबी के बाद या सीआईएफ है, तो भी एफओबी के बाद रिस्क जो है वो बायर का हो जाता है। क्या एफओबी के बाद इंकोटम में, एफओबी इंकोटम के बाद या सीआईएफ में एक्सपोर्ट किया तो भी एफओबी के बाद रिस्क जो है वो बायर का हो जाता है। तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, बायर को अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा, हमको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से गुड्स देना है, वो अपने को पेमेंट देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 5 to 10% रहेगा यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 5 to 10 लाख रुपीज का लगेगा ऑनियन एक्सपोर्ट करने में। नेक्स्ट होता है हाउ टू फाइंड बायर। यस, ये सबसे बढ़िया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सर ऑनियन के बायर कैसे फाइंड करने हैं। तो ऑनियन के जो बायर है वो फाइंड करने बहुत ही मतलब आसान है, इसमें इतना कोई बड़ा वो नहीं है, और कमीशन वगैरह में काम करना है तो रेफरेंस से भी आप काम कर सकते हो। तो हम बायर फाइंडिंग की बात करें तो देखिए, वैसे बायर फाइंड करना आसान है, बट एडवांस में कन्विंस करना उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगता है। बायर को एडवांस में कन्विंस करना उसमें टाइम लगता है, उसके अंदर मेहनत लगता है, मैं आपको बता देता हूं। या तो अभी हम बात करें कि एक्सपोर्ट की बात करें हम अभी, तो देखिए यहां पे मैं आपको बताता हूं
कि भाई उसके बहुत सारे रेवेज है जहां से हम बायर फाइंड कर सकते। सबसे बढ़िया है ऑफलाइन मार्केटिंग, तो ऑफलाइन में एक तो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, दूसरा बायर को डायरेक्ट मिल सकते हो, डेलीगेशन में जा सकते हो। अभी मेरा आपको बताओ, हमारा डेलीगेशन है दुबई का, बिजनेस डेलीगेशन टू दुबई, तो हम सीधा आलोवीर मार्केट जाएंगे, ऑनियन के बायर को मिलेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, हमारे वहां पे एसोसिएट पार्टनर है तो उसे मिलेंगे, जिससे जेन्युइन काम हो पाए, वरना यहाँ पे ध्यान रख के काम करना है। तो जो हमारा प्रैक्टिकल डेलीगेशन 26, 27, 28, 29 सितंबर और 30 सितंबर का, मतलब 26 से 30 सितंबर का पूरा डेलीगेशन है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो भी प्रैक्टिकल, या तो प्रैक्टिकल काम करना है तो ऑफलाइन आप बायर को जाके पर्सनली मिल सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो और आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बायर जो है आप फाइंड कर सकते हो। या दूसरा है डिजिटल वर्ल्ड, ऑनलाइन अपना वेबसाइट जो है आप बना सकते हो, जिसमें अपनी प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो वेबसाइट का। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग विद सोशल मीडिया। यस, आजकल बायर जो है आपको सोशल मीडिया से भी मिलेगा, जिसमें फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहां से भी बहुत अच्छे बायर मिलते हैं। पर क्या होता है, नए नए लोगों को पता ही नहीं है कि सर जेन्युइन बायर मतलब क्या। देखिए, जो अपनी पेमेंट में काम करे वो जेन्युइन बायर है, और उसमें क्या होता है कि लोगों को रेडीमेड सब चीजें चाहिए, वहां पे प्रॉब्लम है कि सर जेन्युइन बायर में पहले पहले तुमको डुप्लीकेट, मतलब जेन्युइन बायर नहीं मिलेगा, पेमेंट में हाँ नहीं बोलेगा, ऐसा वैसा बायर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, एक गोल्ड का माइनिंग का कुछ बोले, कुछ 1 किलो या 100 ग्राम सोना निकालने के लिए 100 टन या 1000 टन जो है मिट्टी निकालनी पड़ती है। 100 ग्राम सोना निकालने के लिए 1000 टन क्या निकालना पड़ता है, मिट्टी को खोदना पड़ता है, मिट्टी को निकालना पड़ता है, तब जाके 100 ग्राम या ऐसे समथिंग उसका रेशियो है कुछ, तो इतना सोना आपको मिलेगा। तो अब बंदे को अगर यही पता है कि सोना ही सोना है तो मिट्टी को क्यों निकालेगा, सोना क्यों निकालेगा ना। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज है कि जो बायर है, अगर अच्छे ही बायर होते तो सब सबको एक्सपोर्ट ही नहीं करता बायर जेन्यून है। सीधा हमने बात किया, वो हम एक्सपोर्टर है, सीधा बायर आ गया और जेन्यून बायर आ गया, एडवांस पेमेंट देने के लिए भी रेडी है, और फिर तो क्या क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जेन्यून बायर को ढूंढना पड़ता है थोड़ा, वो आपका एक्सपीरियंस से, आपका नॉलेज से आपको सब पता चलता है कि वह जेन्यून बायर कौन है और इसमें कैसे हम काम कर सकते हैं। या तो ज्वाइनिंग विद सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, या आप सोशल मीडिया से भी जो है क्या कर सकते हो, बायर को फाइंड कर सकते हो। फेक इंक्वायरी रहेगी, डजंट मैटर, अपने को मतलब डायमंड मिलेगा ना, अच्छा बायर मिलेगा ना, जेन्युइन बायर भी मिलेगा ना 100 में से 1, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको काम करना पड़ेगा, बी पॉजिटिव। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ये परमानेंट जो कोई वर्ड है तो वो है बी पॉजिटिव, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, दिस आर द टू स्किल। ये स्किल जो है आपको डेवलप करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी एंड पेशेंस, तभी जाके आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बनेगा, एडवांस में पैसा भी मिलेगा। मैं आपको बताऊं, देखो एडवांस में काम हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको मतलब लोगों को नहीं पता है कैसे करना है, तो फिर बोलते कि सर मजा नहीं आ रहा है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों को डायरेक्ट मजा करना है, मतलब डॉलर आ जाए हम तो मजा आ जाए, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा क्या कीजिए, आप मेहनत कीजिएगा, वो हार्डवर्क कीजिएगा, तो आपको जो है यहाँ पे अच्छा बायर मिलेगा, जेन्युइन बायर मिलेगा, एडवांस पैसा देगा और आप अच्छा अच्छी तरह से जो है काम कर सकते हो। या यूट्यूब क्लिकर तो सोशल मीडिया पे आप, या मेरा एक खुद का चैनल देख लो, 72 सब्सक्राइबर थे यहाँ पे, तो धीरे धीरे मैंने काम किया, 30,000, आज मोर देन 2 लाख सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब चैनल पे, परेश सोलंकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडर। तो ये जो काम है धीरे धीरे होता है, कभी कभी के दिनों में 30,000 हुआ करते थे, आज कितने हैं, मोर देन 2,10,000 है, मे बी 1 ईयर में या 2 ईयर में 1 मिलियन हो जाएंगे, वी प्रैक्टिकल। तो धीरे धीरे, तो आपको भी आज एक बायर मिलेगा, एक बायर के मतलब बाद दूसरा तीसरा, 1 साल में 2 साल में आपको 10 बायर होगा, महीने का आप 10 कंट्री एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहोगे तभी जाके जो है सारा काम होने वाला है। या नेक्स्ट वेज ऑफ फाइंडिंग बायर जो है वो है B2B वेबसाइट। यस, B2B वेबसाइट इज अ ग्रेट वे टू फाइंड अ बायर। और यहाँ पे बताया मैंने कि 50% इंक्वायरी क्या होती है, यहाँ पे भी फेक आती है जो है, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता सर क्या करें। बी पॉजिटिव, अपने को 50% फेक आती है, मतलब हम वही देखते हो, अरे सर क्या करें, लुट गए हम तो।
50% फेक आती है। अरे भाई तुम ये देख, 50% जेन्यून आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे, प्रॉब्लम ही यहाँ पे है कि सर ये तो मजा नहीं आया, समझ में आ रहे। 50% पॉजिटिव आते हैं और हम बोलते क्या है कि भाई हम नेगेटिव चीज ज्यादा बोलते हैं कि भाई 50% यहाँ पे बाहर नहीं, 50% फेक आएगी। तो ये आप सुनोगे तो नेगेटिव चीजें ज्यादा बोलते हैं लोग, बट हमें पॉजिटिव बनना है और हमें अंडरस्टैंड भी करना है। ऐसा नहीं ओनली पॉजिटिव, अंडरस्टैंड भी करना है। तो 50% फेक आएगी, 50% इंक्वायरी जेन्यून आएगी, जिसमें आप काम कर सकते हो, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो, जिसमें क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, सक्सेसफुल ऑनियन का एक्सपोर्ट कर सकते हो। या तो B2B वेबसाइट में आप पेड में मेंबरशिप ले सकते हो, फ्री में इसमें इतना नहीं आता है, पेड में आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा B2B वेबसाइट का। तो आपको जो है अच्छी इंक्वायरी मिलेगी, कई इंक्वायरी तो ऐसी वैसे मिलेगी, बट अच्छी इंक्वायरी भी मिलेगी जिसमें आपका काम होगा। तो इसमें बहुत सारी B2B वेबसाइट है जिसमें आप मेंबरशिप ले सकते हो। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ज्वाइंट वेंचर, विदेश में अपना कंपनी भी खोल सकते हो और आप जो है अपना बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि मैं डेलीगेशन अभी लेके जा रहा हूँ, तो वही क्या, जिसको भी वहां पे दुबई में कंपनी खोलना है तो हमारे एसोसिएट कंसल्टेंट वहां पे है, पूरा गाइड करेंगे, पूरा फीस बताएंगे, और जो है जिसको भी कंपनी खोलना है तो कंपनी खोलेंगे, क्योंकि वहां पे लोकल में इतना चीटिंग नहीं होता है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल चीज है। तो लोग आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो घर में बैठे, नेगेटिव कुछ नहीं है भाई। देखो मंदी आ रही है आज की, मैं यूरो आज के जो न्यूज़पेपर में सुबह रीड कर रहा था कि यूरोप के अंदर अभी मंदी आ रही, थोड़ी अमेरिका में है रिसेशन है थोड़ा बहुत, तो मंदी आ रही, तो क्या करे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। जो रशिया कुछ गैस का सप्लाई बंद कर रहा है, अभी ठंडी आने वाली है, गैस नहीं मिलेगा उसको, वो गर्मी चाहिए, हीटर इसका नहीं चलेगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, बिजली का शॉर्टेज हो रहा है यूके और यूरोप में, तो ये प्रैक्टिकल चीज है। बट दूसरे गुड न्यूज भी है, देखो हमें पॉजिटिव ही देखना है। गुड न्यूज ये है कि रशिया, यूके, जर्मनी वगैरह में सब गवर्नमेंट ने पैकेज जारी किया है मोंगवारी को, जो है मतलब कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस है, अनएम्प्लॉयमेंट को पैसा वगैरह सब दिया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई ये पैसा मार्केट में आएगा, इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ये पॉजिटिव चीज है। और नेगेटिव भी, आप जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज जो है लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज आपको दोनों मिलेगी। बट आपको क्या करना है मालूम है, आपको जो है लाइक पॉजिटिव चीज लेना है, ये प्रैक्टिकल है। और कई लोग मुझे बोलते थे भाई सर लॉकडाउन हो गया क्या करें, तभी धंधा शुरू करना चाहिए, बिजनेस शुरू करना चाहिए जब भी मंदी है, तो अच्छी बात है। तो अभी रिसेशन चल रहा है थोड़ा, इंडिया में अच्छा हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, इंडिया में सबसे फास्ट रिकवर है, इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं है। विदेश में जो है रिकवर हो रहा है और 6 महीने में रिकवर हो जाएगा। वो रशिया यूक्रेन का वॉर है, इफेक्टिव उसकी 6 महीने में कंप्लीट हो गया, अच्छा हो गया, और क्या चाहिए। तो ये सब चीजें जो है टेम्पररी है, मंदी तेजी तो मार्केट में आने वाली है, अपने मार्केट में मंदी अपने 10 कंट्री जा रहे हैं, मार्केट में बहुत मंदी है, तो मार्केट में मंदी रहने भी वाली है, बस अपने को अपना काम करना है। जो काम करते आगे निकलते, जो काम करते उसको कॉन्टेक्ट मिलता है, जो काम करते उसको बिजनेस मिलता है, और वो बिजनेस करते, और जो नहीं करना चाहते वो बैठे रहते कि सर क्या करें मंदी है। तो आप कुछ काम करोगे तो आपका कुछ काम होगा, या इतनी बड़ी। और दूसरा, आपको कितना कमाना, पहले स्टार्ट वहां से कीजिए। यू नीड ओनली टर्नओवर ऑफ 10 लाख रुपीज, एक ही बायर चाहिए 10 लाख रुपीज का टर्नओवर का। पूरी दुनिया में एक बायर नहीं ढूंढ सकते, वो भी 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में, पूरा सीख के। या तो यहाँ पे बी पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। या सो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, नेक्स्ट जो है वेज ऑफ फाइंडिंग बायर, वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पेशली ऑनियन का जो एग्जीबिशन, ऐसा कोई एग्रीकल्चर का इतना नहीं, बट फूड प्रोडक्ट का लगता है, जिसमें मेनली आपको बता दूं जिसमें डिहाइड्रेटेड ऑनियन भी चलता है, और वो है गल्फ फूड दुबई। फेब्रुआरी में जो है गल्फ फूड दुबई आने वाला है, मैं खुद जाने वाला हूँ, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल, तो कुछ जाएंगे तो कुछ जानने को मिलेगा, तो कुछ सीखने को मिलेगा, और तो कुछ बाहर मिलेंगे, घर पे बैठे बैठे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बी पॉजिटिव हमको रहना पड़ेगा। या तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन से है, अटेंड इन ट्रेड फेयर्स। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होगा कि आप खुद एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना स्टॉल लगाओ। दूसरा है विजिट टारगेट मार्केट एग्जीबिशन, के ऑनियन कौन लेता है, उसका कोई एग्जीबिशन आ रहा है तो आप जो है उसको विजिट करो, और जो स्टॉल वाला है उसे ही अपना प्रोडक्ट बेचो।
या तो ये भी एक ऑप्शन है कि अटेंड इन ट्रेड फेयर, पहले पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो तो विजिट करो, विजिट में खर्चा कम लगता है, पार्टिसिपेशन में स्टॉल का 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का भाड़ा हो जाता है, डिपेंड ऑन स्टॉल के हिसाब से रहता है। जब अटेंड करने का तो 70,000 के अंदर आप विजिट करके आ सकते हो, 60-70,000 में विदेश में, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, आप विजिट करके आ सकते हो 5 दिन का। तो या तो अभी अपना जो है डेलीगेशन जा रहा है, फेब्रुआरी में भी जाने वाला है, तो जो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसमें अपेड आता है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए क्या आता है, अपेड आता है, तो अपेडा भी जो है बायर फाइंड करने के लिए पूरा हेल्प करता है, बायर का लिस्ट भी अपेडा के साइट के ऊपर रहता है, वो लोग देते हैं, इंक्वायरी भी देते हैं, तो ऑनियन के बायर का भी जो भी उसके पास लिस्ट होगा तो आपको मिलेगा। आज ही मैं आपको बताऊं, मेरे ऑफिस में मैंने क्या किया कि जो हमारे एम्प्लॉइज वगैरह, उसको बोला भाई एम्बेसी को मेल करो, डेटा निकालो, तो एम्बेसी को मेल कर रहे, तो कोई बात नहीं, 10 में से 2 का रिप्लाई आ रहा है, 10 में से 5 का रिप्लाई आ रहा है, कोई बात नहीं, अपने बारी बारी मेल करेंगे, रिपीट मेल करेंगे। तो भी आज ही जापान से पूरा मेल आया मुझे, जो हमारी प्रोडक्ट का मैंने बोला था लेदर का मुझे बायर चाहिए, तो लेदर का जो है, हैंडीक्राफ्ट का जो है, तो उसने रिप्लाई किया, दिस आर द लिस्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट दिस पीपल एंड एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट। या तो जापान से मैं एम्बेसी को मैंने बोला हमारे एम्प्लॉय को, भाई देखो टाइम होना चाहिए, यहाँ पे क्या लोगों के पास टाइम नहीं है, डेटा वगैरह सब अवेलेबल है, बायर वगैरह सब अवेलेबल है, टाइम होना चाहिए। तो एम्बेसी जो है पूरा हमको हेल्प करती है, अपना ईपीसी जो है पूरा हेल्प करती है, जिसमें एम्बेसी हो गया तो न्यूजीलैंड हो गया, कोई भी मतलब जर्मनी हो गया, तो इसको भी एम्बेसी को भी मेल कर सकते हो और प्रैक्टिकल आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा निकालवा सकते हो। ट्रेड डेलीगेशन आप देखिए, तो ऐसे विदेश के अंदर आप ट्रेड डेलीगेशन में जा सकते हो, विदेश के अंदर ऐसे ट्रेड डेलीगेशन में आ सकते हो, ये प्रैक्टिकल बात है। चाइना डेलीगेशन, दुबई डेलीगेशन, सिंगापुर, पर्सनल मीट, बायर को जाके, आप बायर को जो है जाके पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हो, क्या है, बायर के साथ बातचीत कर सकते हो, विजिट करने के लिए जाओ एग्जीबिशन में या फिर डेलीगेशन में, और डायरेक्ट बायर को मिलो और बायर से बात भी करो। तो इस हिसाब से जो है पूरे बायर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बायर जो एक्सपोर्ट में फाइंड किए जाते हैं। यस, अभी आपको कोई भी क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरा। यस, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने आपको बताया था, तो उसके ऊपर मोर डिटेल के लिए जो है आप वहां पे वीडियोज वगैरह देख सकते हो, और कोई कॉन्टेक्ट है तो मेरा मेल आई डी है contact@paresolanki.com। यस, तो अभी बारी बारी आपको अनम्यूट करके, आपको क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, उसका भी मैं आंसर दे दूंगा यहाँ पे, और दूसरा जो है आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। प्लीज एक्सप्लेन TMA बेनिफिट्स। सर TMA ना ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्पेशल मिलता है, रिफर कंट्री एक्सपोर्ट करते हो, नॉन रिफर एग्रीकल्चर में मिलता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि TMA का बेनिफिट में क्या होता है, 30,000 जो है लाइक 12,000, 30,000, 13,000, 15,000, डिपेंड ऑन डेस्टिनेशन के हिसाब से गवर्नमेंट अपने को पेमेंट देती है, मतलब कैशबैक के रूप में ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट मिलता है TMA, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, TMA का स्क्रिप्ट आपको मिलेगा। या सो थैंक यू सर, आप एक एक करके आप अपना सवाल पूछ सकते हो, आप अनम्यूट भी कर सकते हो और या फिर अपना सवाल यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैडम जरा यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स है, तो उनको जरा सिट्रस फ्रेट ऐप कैसा यूज करना है आप बता सकते हो यहाँ पे? जी सर, मैं ये बता सकती हूँ, जी मैं ये बता सकती हूँ, एवरी फ्राइडे हमारा 4 o'clock डेमो सेशन होता है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्राइडे भी होने वाला है, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैं पूरा डेमो का सेशन में आपको पूरा डेमो दे दूंगी, आप कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने मेल भी किया है, आप वहां पे जाके रजिस्टर करिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको ये मेल भेज दूंगी, आप वहां से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। और आपके सवाल है, अगर आपको सर से कुछ पूछना है ऑनियन एक्सपोर्ट रिलेटेड या फिर एक्सपोर्ट के रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप यहाँ पे सर से पूछ सकते हैं। यस भूपेन जी बोलिए। सर हाउ टू कैलकुलेट सीआईएफ प्राइस? इसको बोलते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस। तो सीएनएफ प्राइस मतलब वो सीआईएफ जैसा ही हो गया, उसमें इंश्योरेंस सीआईएफ में से इंश्योरेंस माइनस कर दो तो सीएनएफ प्राइस हो गया। तो सीआईएफ प्राइस मालूम है आपको? सीआईएफ प्राइसिंग मालूम है आपको?
नहीं सर, शायद नहीं मालूम, आप बता दीजिए सर। ओके तो हाँ सर, सीएफ पता है, पर कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन उसको, पर मैट्रिक टन सीएफ प्राइस? कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है, सीआईएफ करना है, सीएनएफ करना है। सीएनएफ में सिर्फ इंश्योरेंस माइनस होता है। तो समझो सीआईएफ का प्राइसिंग कैसा, समझो 28 टन हम ऑनियन लोड करते हैं, 29 भी कर देता है, तो 28 टन ऑनियन हम लोड करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या होगा, हमको सीएचए पूरा प्राइसिंग बताएगा कि भाई लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन टीएससी बीएल वो सब उतना कितना होगा। तो सीएचए ने बता दिया 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज होता है टोटल खर्चा आएगा, वो सीएचए अपने को बताएगा। अब 3 लाख रुपीज जो आता है वो सीएचए आपको बता देगा। अब हमको क्या करना है, टन के हिसाब से करना है। समझो 30 टन ही माल है, 30 टन अपना ऑनियन है और 3 लाख रुपीज है, तो इसका क्या होगा, पर टन आपका जो है 10,000 रुपीज आ जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल कितना एक्सपेंस है, और टन के हिसाब से डिवाइड कर दो, या किलो के हिसाब से करना है तो भी आ जाएगा, 10 रुपीज पर किलो के हिसाब से आ गया, 30 टन है तो, या 29 टन है समझो, 29 टन है तो फिर उसके हिसाब से 11 या 12 रुपया आ जाएगा। तो सीआई प्राइस या सीएनएफ प्राइस जैसे कैलकुलेट करते हैं सर, जो भी एक्सपेंस है वो प्लस करने का। समझो नासिक से मुझे एक्सपोर्ट करना है तो नासिक से लोडिंग 5,000 रुपीज, नासिक टू मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन 20,000 रुपीज, उसके बाद उसका टीएससी 15,000 रुपया, उसके बाद उसका बीएल 5,000 रुपीज, उसके बाद जो है सीएचए का फीस, कस्टम का फीस, जो भी हैंडलिंग का फीस पूरा जो है वो सारा फीस ऐड करने का, प्लस जो है फ्रेट जो आपको सिट्रस फ्रेट ने दिया होगा, कंट्री का जो भाड़ा होगा, तो वो आपको समझो ना $3,000 है अभी के, सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो $3,000 है, तो उसका 80 के हिसाब से आप करोगे तो 3000, तो 80 के हिसाब से आप करोगे 8×3=24, 240,000 हो जाएगा, 240,000 भाड़ा हो गया, प्लस आपका ये सब 40,000 60,000 ये आपका लग गया, तो आपका 3 लाख रुपया हो गया। तो ऐसे प्रैक्टिकल जो है जितना खर्चा होता है उसको जोड़ना है, उसके बाद टोटल 3 लाख रुपया हो गया। अब अपना 29 टन माल है तो टन के हिसाब से, तो 29 से डिवाइड कर दो, किलो का करना है तो 29,000 से डिवाइड कर दो, तो इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है सर। अनम्यूट करके बोलिएगा, समझ में आया सर? ओके थैंक यू सर। जो भी टोटल एक्सपेंस होता है जो सीएचए बताता है उसको डिवाइड कर देना है प्रोडक्ट के हिसाब से। थैंक यू सर। अजय शंकर जी का एक सवाल है, गुड्स की डिलीवरी टाइम से कैसे भेजें? गुड्स की डिलीवरी टाइम से कैसे भेजें, तो बहुत ही सिंपल है, तो अपने हाथ में। अभी समझो अब मेरा जो है कंट्री अभी जा रहा है रेगुलर, तो हमारा क्या तो पहले से प्लानिंग होता है, अभी 10 तारीख का मेरे कंट्री का सेलिंग है, तो टाइम पे मतलब मुझे पता है, बायर ने बोला है कि तुम्हारा जो है ना सेलिंग डेट 15 सितंबर है, मेरा सेलिंग डेट, एक्चुअली मेरा सेलिंग डेट जो है 15 सितंबर है, तो मेरा कार्गो 10 सितंबर को ही सेल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल मतलब लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट बोलते हैं इसे, आपको एडवांस में प्लानिंग करना पड़ेगा, 5 दिन 7 दिन या 5 दिन, इसमें चलता है फ्रेश टू फ्रेश, फास्ट फास्ट काम होता है। तो समझो ऑनियन का लोडिंग करना नासिक से, तो एक दिन लोडिंग में जाएगा, सुबह कंट्री आएगा, दोपहर तक लोडिंग हो जाएगा, वहां से कंटर निकलेगा रात तक मुंबई पहुंच जाएगा, तो दूसरे दिन वहां पे कस्टम क्लियर होगा, उसके बाद वो दिन नहीं हुआ तो उसके बाद कस्टम क्लियर, 2 दिन कस्टम में गिन लेने का आपको, तो फास्ट ट्रैक में हो जाता है, पर फिर भी कोई क्वेरी आ गई तो 2 दिन वहां पे, 1 दिन वहां, 3 दिन, और आगे आपका कट ऑफ टाइम कौन सा है, कट ऑफ का टाइम 1 दिन वो बफर रखते, तो 4 दिन 5 दिन पहले आप निकाल दो तो अपने आप हो जाएगा, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, डिलीवरी टाइम पे होगा। अगर आप ही लेट करते हो, और ऑनियन क्या रेडीमेड ही होता है वो, तो बोले ऑर्डर आने के बाद बनाने नहीं जाना पड़ता है, वरना क्या समझो आपको कोई दूसरी प्रोडक्ट है तो क्या बनानी पड़ेगी, शर्ट है तो बनाना पड़ेगा, ऑनियन क्या है किसी के पास स्टॉक में तो रेडी है, तो ऐसा नहीं फार्मिंग फार्म से निकलेगा और आएगा, वैसा तो नहीं होता ये बराबर, वैसा भी होता है पर फिर भी मार्केट में रेडी माल मिल जाता है, स्टॉक मिल जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। या थैंक यू सर। और भी किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। सर आपसे कुछ क्वेश्चन है, मेरा नाम शेख अली असगर है, सऊदी से, मैं भी आपको अटेंड कर रहे हैं। ओके गुड। सर सबसे पहले काफी अच्छा लगा आपके सेशन को देख करके, और काफी अच्छा से हम फॉलो भी कर रहे हैं आपके सारे वीडियोज वगैरह, जब जब आता है देखा जाता है, और काफी इससे जो है नॉलेज गेन हुआ है। यहाँ दमाम मार्केट में हम कई एक दफा विजिट किए, और ओनियन के लिए जो है सर जो बायर है एसबीएलसी पर जो है वह कह रहा है लेने के लिए,
ओनियन जो है सेफ है क्या एसबीएलसी पर उसके साथ काम करना? यस, एसबीएलसी सेफ है। एक काम करो, 20% एडवांस ले लो, 70% एलसीएड साइट ले लो या एसबीएलसी ले लो, एलसी सेफ है पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको डॉक्यूमेंट में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके सर, ओके, या सेफ है, एलसी सेफ है। ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू सर। और भी किसी का सवाल है आप पूछना चाहते हैं सर से? आप अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। बोलिए। हेलो, हेलो सर। हाँ बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन है कि सर बायर को सर कन्विंस कैसे करें सर? मतलब उनसे बात करते हैं तो वो जल्दी कन्विंस नहीं होते सर। वैसे तो एम्बेसी सर काफी लिस्ट मिल जाती है लेकिन सर बायर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं सर। वो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण कन्विंस नहीं होता। दूसरा होता लैक ऑफ नॉलेज, जो इंकोटम का है, इंश्योरेंस का है, टेक्निकल नॉलेज है, प्रोडक्ट का नॉलेज है, वो सब आपको नॉलेज होना पड़ेगा तो बायर कन्विंस होता है। यस, कन्विंस करने के लिए समझो मैं करता हूं तो हो जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। उसको माल तो लेना है, वो मेरे से लेगा किसी और से लेगा तो क्या, थोड़ा आपका अब नया नया का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो एक तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, पर धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। नया है तो कोई एक्सपीरियंस लेके तो नहीं आता है, समझो मैं भी नया आया तो मेरे को भी एक्सपीरियंस नहीं था इतना, तो वो तो एक्सपीरियंस मिलेगा। बट क्या मैटर क्या करता है, आपका नॉलेज मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, तो ये दो चीज आपके पास है तो बायर कन्विंस होगा। वरना क्या ऐसे वैसे बात करते हो, इतना कॉन्फिडेंसली बात नहीं कर पाते हो तो फिर वो चला जाता है, उसको ट्रस्ट नहीं बैठता है तो चला जाता है कि भाई इसको मैं 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एडवांस दूंगा, एक्सपोर्ट नहीं किया तो उसको बहुत डाउट रहता है। और इंडिया में आप नहीं पर बहुत सारे लोग चीटर है, तो उसका हमको खामियाना भुगतना पड़ता है कि भाई दूसरे लोग चीटिंग करके बोले भाई इंडिया में पहले एक बार पैसा दिया था वो तो भाग गया। अरे भाई हम मार्केट में बैठे हैं जेन्यून है, पर वो उसके लेना देना नहीं है ना। अब चाइना से आपको कोई बोले अरे भाई हम बहुत अच्छे हैं जेन्यून है, अरे दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, नॉलेज दिखना चाहिए। बाकी चाइना में आपको पता है बहुत चोर लोग हैं, इंडिया में भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंस होगा और पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा, आप प्रोफेशनली बात करोगे तो टिकेगा बाहर, वरना चला जाएगा। टाइम इज मोर देन मनी, तो बायर के पास जो है टाइम नहीं होता है, तो इसलिए जो है बायर क्या करता है कि भाई जो कॉन्फिडेंस उसको अच्छा लगता है उसके साथ वो बात करता है, उसके साथ काम करता है, जो बात करेगा, बात करने से बात बनती है। बात करने से बात बनती है। बोलिए बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। और किसी को कुछ पूछना है? अगर आप लोगों के सवाल और है कुछ तो आप सर से पूछ लीजिए, उसके बाद हम ये वेबिनार एंड करेंगे। और आपके जो भी सवाल है आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें डाल सकते हैं एज ए कमेंट पे, तो हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। अभी भी आपके कोई ऐसे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर से। सर गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए शिपिंग बिल के साथ सब देना पड़ता है सर सीएचए को? गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए शिपिंग बिल डीबी का ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, उसमें भी आपका बीआरसी जनरेट होना चाहिए, मेन बीआरसी है गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए, वरना नहीं आए तो वो भी वापस देना पड़ता है। तो बाकी सीएचए को कुछ देना नहीं है अपने को, गवर्नमेंट बेनिफिट सीएचए शिपिंग बिल तो खुद ही फाइल करता है सीएचए, अपने को इनवॉइस एंड पैकेज बनाना है और उसमें सीएचए को बोलना है वी वांट टू क्लेम गवर्नमेंट बेनिफिट, वरना गवर्नमेंट बेनिफिट नो कर देता है। ओके सर, तो आपके शिपिंग बिल का ड्राफ्ट शिपिंग बिल देख लेना कि गवर्नमेंट बेनिफिट यस है। ओके सर, ओके। तो इसी के साथ मैं सर आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए और जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको इतना अच्छा नॉलेज दिया और उनके इतने सारे सवालों के जवाब भी दिए। एंड मैं आप लोगों को भी, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने ये वेबिनार अटेंड किया, और आगे आपको ऐसे वेबिनार्स मिलते रहेंगे तो आप जरूर बने रहिएगा। और आपको बिजनेस रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी अगर सवाल है, तो OES एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्टेक्ट करिए, और सर से जो भी उनके जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वीडियोस बना रहे हैं, उनको भी आप फॉलो करिए, आपको जरूर अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ अगर आप और भी कोई जानकारी रिलेटेड टू
ट्रांसपोर्ट सर्विस और लॉजिस्टिक सर्विस चाहिए तो आप सिट्रस फ्रेट को फॉलो करिए, डाउनलोड करिए और ये सारी सर्विस का लाभ उठाइए। तो थैंक यू सो मच सर ये वेबिनार करने के लिए, और आई होप ये सारी जानकारी लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी और वो जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस अगर करने का सोच रहे हैं तो वो जरूर अच्छे से होगा। तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सर।